हेलो एवरीवन गाइस, जस्ट मुझे एक बार बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। और आज हम लोग यहां से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स कवर अप कर लिया है, आज से अपना फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे एक बार क्लियर कर दें को ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है देन डेफिनेटली हम लोग यहाँ से फर्दर आगे मूव करेंगे। आई होप मतलब ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। रजत सक्सेना गुड इवनिंग, शिवांगी शर्मा गुड इवनिंग, शनद मलहुरे महुरले सॉरी गुड इवनिंग। तो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। बाकी लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए दैट द सेशन हैज बीन स्टार्टेड, सो दैट जो भी लोग हैं वो लोग ज्वाइन कर पाए और इसके बाद अपना जो सेशन है वो हम लोग यहां से कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, सो जस्ट लेट मी नो वेदर ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट। और अगर क्लियर है तो डेफिनेटली हम अपना जो सेशन है वो यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार मैं जस्ट जानना चाह रहा हूं, मैं तब तक शेयर कर देता हूं बाकी लोगों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस ऑल क्लियर, चलिए ये बहुत जरूरी है पूछना, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं फिर पता चला वॉइस नहीं आ रही, ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा। पर बहुत सारे लोग कमेंट में चिल्लाते हैं कि हाँ सर ऑडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। इससे बेहतर है कि मैं पहले पूछ लूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज से अपना जो सेशन है वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। आज से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, आज से बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन जनरल आप जितने भी पब्लिक सेक्टर एग्जाम में जाते हैं तो पब्लिक सेक्टर एग्जाम में जहां पे भी जाएंगे आपको 2 to 3 क्वेश्चंस ऑलवेज मिलते हैं। जितने भी लोग अगर आप कभी भी पीएसयू के एग्जाम में जाएंगे तो व्हाट यू विल सी कि यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका 2 to 3 क्वेश्चन आपका श्योर शॉट मिलता है। ठीक है, तो यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर मैं गेट की बात करूं तो गेट में भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मतलब आपके लिए बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। एक गेट में तो हमारा एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक जहां से हम केवल थर्मो के बेसिक के बारे में बात करें, इसी के बेसिस पे हम बाकी थर्मो पूरी की पूरी स्टडी करेंगे। ठीक है, सिस्टम जो है वो गुस्सा हो जाता है। हाँ मतलब सिस्टम बोलता है अच्छा हमको बिना बताए तुमने क्लास स्टार्ट कर दिया ना, पहले सबसे पूछ तो लेते, हमको सबको पूछ तो लेते, तो फिर उसके बाद सिस्टम आगे काम करना शुरू करता। चलिए वो जस्ट स्टार्ट करते हैं। ये गेट की कहानी है ना, ये गेट की कहानी है। तो आप लोग जस्ट ध्यान से पढ़िएगा और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे स्टडी जो है इसकी कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट का आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जो भी फर्दर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहां से अपना जो सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। और कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है तो यस डेफिनेटली यू कैन आस्क टू मी। बिफोर दैट जितने भी लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए जस्ट दिस इज मी योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। राइट नाउ ये जो सब्जेक्ट चल रहा है दैट इज फॉर मैकेनिकल एंड केमिकल, है ना। इसमें दो ब्रांचेस हैं जो अपने यहां पे आ सकते हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल। आई वॉज इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड मल्टीपल टाइम्स मैंने गेट क्रैक किया है। एंड आई जस्ट अभी तक की बात करूं तो आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1 lakh ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, और बहुत सारी चीजें। बट ठीक है, आप जस्ट पढ़ रहे हैं तो आई होप आप इंजॉय करेंगे जितने भी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए यहां से जस्ट बात करते हैं। दिस इज माई चैनल। अगर आपको पीडीएफ वगैरह की नीड रहेगी, जिनका जैसे क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा तो मैं इस चैनल पर लूंगा, तो आप लोग जस्ट इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, प्लैनेट गेट मैकेनिकल सर्च कर लीजिएगा और इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको मिलती रहे कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अच्छा पब्लिक सेक्टर में केमिकल मैकेनिकल का सिलेबस भी आ सकता है। पब्लिक सेक्टर में केमिकल में मैकेनिकल का सिलेबस नहीं, पब्लिक सेक्टर में जो आपका सिलेबस है वही आएगा बेटा, है ना, कुछ अलग से नहीं आएगा, कुछ अलग से नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है कि नहीं कुछ भी आएगा। हाँ एक आध इररिलेवेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी इधर उधर, बट आपका ही आने वाला है। ठीक है, यस अमर गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अनअकैडमी आपको वैसे बहुत सारे फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, आप स्पेशल क्लासेस पे जाते हैं, आप यूट्यूब क्लासेस पे जाते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी आपको पेड क्लासेस भी देता है, जिसमें एक आपके पास है प्लस, दूसरा आपके पास है आइकॉनिक। प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, टेक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस एंड क्रैश कोर्स।
और अगर आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट मिलते हैं, साथ में एक पर्सनल कोच जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड करता रहता है, आपको बताता रहता है कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, या आपको नीड रहती है कि आप डेली के डेली कहीं ना कहीं जब आपने क्वेश्चंस लगाए तो आपको डाउट पूछने रहते हैं, तो यस आप डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके लिए एजुकेटर्स रहते हैं, वो कंटिन्यूअसली आपके डाउट क्लियर करते हैं, स्टडी प्लानर रहते हैं आपके लिए, स्टडी बूस्टर सेशंस रहते हैं, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस रहते हैं एंड प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल। तो प्लस के अलावा आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाते हैं इन केस ऑफ आइकॉनिक, ठीक है। ये फी स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज फॉर फी स्ट्रक्चर फॉर प्लस एज वेल एज आइकॉनिक। जो फीस है वो आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ जिस किसी को लग रहा है कि वो 2023-24 के लिए एक कस्टमाइज प्लान चाहता है तो डेफिनेटली आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं, आप 18 मंथ्स का ले सकते हैं। एंड व्हेन यू यूज द कोड, दिस इज माय कोड दैट इज त्यागी 100, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और 10% के डिस्काउंट के अलावा जो भी करंट रनिंग ऑफर चल रहे होंगे वो मिलेंगे, प्लस मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको किस टीचर से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे जस्ट चलते हैं। अनअकैडमी जब आप आइकॉनिक लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको लाइव मेंटोरिंग मिलती है, सारी चीजें आपको लाइव मिलती हैं, आप अपने डाउट्स लाइव पूछ सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस हैं, इसमें नो डाउट आपकी क्लासेस इंटरैक्टिव मिलती हैं, स्पेशल पे पोल्स मिलता है, रेज अ हैंड का ऑप्शन मिलता है, क्लास कभी मिस ना हो इससे नोटिफिकेशन जाता है, लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, लेक्चर कहीं भी आप वॉच कर सकते हैं, तो ये आपके लिए स्पेशल क्लासेस के फीचर्स हैं। तीसरा ये भी है, अनअकैडमी में आप कभी भी कितने भी डाउट पूछ सकते हैं, उसके सॉल्यूशन भी आपको कॉन्टिन्यूसली मिलते हैं, ठीक है। ये 14 नवंबर को आपका यहां से गेट योद्धास है, तो आप इसको अपियर होने की कोशिश करिएगा, और आपसे जस्ट पूछेगा इसके लिए इनविटेशन कोड, तो डेफिनेटली यू कैन यूज द कोड दैट इज त्यागी 100। और आई वॉन्ट कि मतलब इस बार का जो ये अनअकैडमी कॉम्बैट है वो सब लोग अपियर करें, बिकॉज अगर आप इसमें अपियर होते हैं तो आपकी फीस में मिनिमम 15% का डिस्काउंट है, मिनिमम 15%। एंड वंस अगर आपसे पूछ लेता है कि आपको अनलॉक करने के लिए कोड देना है तो डेफिनेटली आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज त्यागी 100, ठीक है। चलिए ये केमिकल के आपके बैचेस हैं, यहां से ही ट्रांसफर स्टार्ट हो रहा है, 12:30 बजे से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड। एंड सिमिलरली ये मैकेनिकल का है, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड। एंड ये अभी करंट रनिंग ऑफर चल रहा है फॉर गेट 2022। चलिए ये सर का लेक्चर हो गया है, शायद इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, अभी हम लोग यहां से आज बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हमारा जो डिस्कशन है वो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, तो आपको कहीं पे भी बच्चे कोई भी डाउट आता है, किसी को भी ऐसा लगता है कि सर आपने ये चीज बताई, मैं ये चीज पूछ सकता हूं नहीं पूछ सकता हूं, हालांकि YouTube पे उतने ज्यादा डाउट ले नहीं पाते हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। दूसरा, आप चैनल ज्वाइन करोगे तो चैनल पे भी आप जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे टैग कर दीजिएगा, कोई भी डाउट आएगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि हाँ सर गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग, आई होप मतलब जितने भी लोग थे वो सारे के सारे आ गए हैं, अभी अपना जो सेशन है उसको हम लोग कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, मैंने कल आपसे डिस्कशन किया था केवल टेम्परेचर के बारे में, केवल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि हमने थर्मोडायनेमिक्स कहां कहां से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने यहां से जस्ट उस जगह से जहां से हम खेती बाड़ी करना शुरू किए थे, फिर हमने धीरे धीरे मतलब आग के बारे में पता किया, आग के बारे में पता करने के बाद फिर हमने उसकी हीट को यूटिलाइज करना सीखा, हीट की यूटिलाइज करने के बाद हमने उसे जस्ट वर्क करना सीखा, फिर हीट वर्क वर्क हीट ये सारी बातें पता चली, फिर हमें टेम्परेचर के बारे में पता चला, फिर हमने उसकी डायरेक्शन के बारे में जाना, है ना, फिर हमने डायरेक्शन कब जाना जब हमने एंट्रोपी के बारे में जाना, फिर धीरे धीरे सारी चीजें चलती गई और एक वाइड बहुत वास्ट नॉलेज हमने पूरा का पूरा जस्ट बात की। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर मैं यहां से जस्ट थोड़ा सा आपको और डिस्कशन करूं तो एक चीज आपको समझनी है कि थर्मोडायनेमिक्स हमेशा जो भी हम बेटा यहां से स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में जो भी स्टडी करते हैं वो हम हमेशा हमेशा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं, हमेशा थर्मोडायनेमिक्स की जो भी स्टडी है वो हमारी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी है, हमेशा जो भी स्टडी होगी वो मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी होगी और हम इसको अप्लाई करेंगे हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब हमारी लाइफ में अगर हमें अप्लाई करना है तो हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अप्लाई करेंगे। अब आपके दिमाग में ये माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक लेवल थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए, फिर मैं आगे बात करना शुरू करता हूं। सुनिए, अब जैसे हमने यहां से बात करना शुरू की, सर मैक्रो और माइक्रो का क्या मतलब, माइक्रो का मतलब यह है कि अगर हम सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की जस्ट बात करें, अगर हम यहां से जस्ट बात करें स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, दैट इज नॉन एज माइक्रोस्कोपिक, और अगर हम एक एवरेज बिहेवियर की बात करना शुरू करें दैट इज नॉन एज मैक्रोस्कोपिक।
आप बोलेंगे सर मतलब मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक ऐसे नहीं समझ में आ रहा। फॉर एग्जांपल आप अपने क्लासरूम की बात कर लीजिए, आपके क्लासरूम में अगर आप यहां से एक एक सारे के सारे स्टूडेंट की एनालिसिस करना शुरू कर दो, यार ये वाला लड़का ऐसा है, ये वाला लड़का ऐसा है, ये इसके मार्क्स इतने आते हैं, ये लड़का लड़ाई में ज्यादा आगे रहता है, ये लड़का मतलब बैठा रहता है क्लास में, अगर इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करना शुरू करो, दैट इज माइक्रोस्कोपिक लेवल। लेकिन अगर आप यहां से जस्ट बोलो ऑलमोस्ट, जैसे ऐसा बोला जाता है टीचर सारे बैठे, अरे वो वाली क्लास बड़ी खराब है, अरे वो वाली क्लास के लड़के बहुत अच्छे हैं, तो वो एक एवरेज बिहेवियर हो जाता है। एवरेज बिहेवियर कि मतलब ऑलमोस्ट जो क्लास है उसमें 20 बच्चे अच्छे होंगे, एक दो बच्चे ऐसे हैं, एक दो बच्चे वैसे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ओवरऑल जो क्लास है वो बहुत अच्छी है। सो व्हाट आई वांट टू से, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब जब आप सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब आपने यहां से एवरेज बिहेवियर की बात की, ठीक है, यहां से जो आपने बात की वो एवरेज बिहेवियर की बात की, दैट इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक लेवल एवरेज बिहेवियर। एक आपके पास आता है माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, आपने यहां से जस्ट बात की कि सर मैं इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करता हूं, इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करता हूं। थोड़ा सा आपको और मैं जस्ट बात कर देता हूं, जस्ट आपने कभी देखा होगा जब शादी होने जाती है तो शादी के टाइम पे होता क्या है कि लेट सपोज लड़की वाले गए और या लड़के वाले गए देखने, लड़की वाले लड़का देखने गए या लड़के वाले लड़की देखने गए, तो आपको बताया गया कि भाई लड़का तो बहुत अच्छा है, एकदम से बड़ा मतलब देखने में अच्छा है, जिम विम करता है, एकदम से मस्त है ना। या तुम्हारी शादी होने गई तो तुमने कहा कि हम सर लड़की देखने गए थे और हमको बताया गया कि लड़की बहुत अच्छी थी, मतलब उसमें कोई कमी नहीं, सब गुण संपन्न, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। वो जो स्टडी की वो एक्चुअल में क्या थी, लोगों ने जैसी बताई ना वैसी तो स्टडी थी ना, तो वो जो स्टडी थी वो आपने मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर ली। फिर क्या हुआ जब मैक्रोस्कोपिक स्टडी हो गई, शादी हो गई, शादी होने के बाद अब अप्लाई कहां पे करना है, माइक्रोस्कोपिक लेवल, भाई साथ में रहना, अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अप्लाई करना है, साथ में रहना है। अब वो 36 गुण तो मिल चुके हैं, अब वो 36 गुण मिलने के बाद अब अपने घर में आ गए और दोनों के दोनों रहना शुरू हुए, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में पता चलना शुरू हुआ। जब पता चलना शुरू हुआ तो अरे अरे केमिकल वालों के लिए है, बिल्कुल केमिकल वाला है ना। तो जैसे जैसे ही सबको पता चला, जैसे ही सबको पता, अब एक दूसरे के बारे में पता चला, फिर यहां से अरे मेरे कर्म फूट गए, तुमसे शादी क्यों हो गई, है ना। फिर एक दूसरे, तुम भी तो ऐसे हो, दैट इज माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि सर माइक्रो और मैक्रो क्या है। मैक्रो मतलब वो जब हमने यहां से इनके गुणों के बारे में जाना था, जैसे ऐसे पंडित जी ने बता दिया था कि भाई 36 के 36 गुण मिल रहा है, एकदम से दोनों परफेक्ट हैं, लेकिन जब शादी हो गई और शादी होने के बाद जब आप घर में आए, फिर 2-4 महीने साथ में रहे, तब आपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको अप्लाई कर दिया। तो मैक्रो की स्टडी करके माइक्रो पे जब अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तो इश्यू आएंगे ना, और वो इशू ही जो होते हैं यही के बारे में हम बात करते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स को मैक्रो पे स्टडी करेंगे। अप्लाई कहां पे करते हैं, माइक्रो पे, तभी हमें मिलती है एरर्स, ठीक है, यस, तब गुण निकालते हैं। तो पॉइंट क्लियर है बेटा। सर ज्यादा मैकेनिकल के लिए दोनों का पूरा कवर होगा, मैकेनिकल का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो एक्स्ट्रा कराऊंगा, ठीक है, मैकेनिकल का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा। तो बेटा माइक्रो मैक्रो बिल्कुल क्लियर है, माइक्रो मैक्रो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम थर्मोडायनेमिक्स को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जस्ट बात कर। फॉर एग्जांपल अब एक और एग्जांपल देता हूं, जनगणना की बात सुनी होगी, आपको पता चलता है कि जनगणना करनी, अच्छा जब जनगणना करनी, अब इंडिया में लेट सपोज आपने सोचा कि मैं इंडिया में जनगणना करना चाहता हूं, अब जनगणना में आप क्या करना, आपने यहां से एक कागज पकड़ा और कागज पकड़ने के बाद आप कश्मीर गए, है ना, और कश्मीर में सबसे पहले एक एक घर पे जाना शुरू किए। जब आप एक एक घर पे जा रहे थे तो आपने इनसे पूछा, अच्छा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कैसे कैसे क्या माहौल है, तो आपने एक घर का पता किया, फिर आपने दूसरे घर का पता किया, फिर आपने तीसरे घर का पता किया, और कश्मीर से पता करते 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 ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, और आप जाते 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 कन्याकुमारी पहुंचे। 15 साल बाद कन्याकुमारी पहुंचे, आपने पूरी जनगणना कर ली, लेकिन 15 साल में जब आप लौट के दिल्ली आए तो आपको पता चला जनसंख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। तो जब भी जनगणना करनी होती है और बहुत सारे लोगों की करनी होती है, तो हम कभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जनगणना नहीं कर पाते,
क्यों नहीं कर सकते भैया? हमें पता है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम इस तरह से सिंगल सिंगल स्टडी नहीं करते, तो हम एवरेज बिहेवियर लेना शुरू करते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये होगा, अप्रोक्सीमेटली ये होगा, ठीक है। तो एक आप ये भी बात कर सकते हैं। हाँ सर, तो चलिए हम यहां से जब भी बात करेंगे तो एक्चुअल में मैक्रोस्कोपिक पे बात करेंगे और माइक्रोस्कोपिक पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो अभी हमें ये तो पता ही है ना यार कि अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमने चले गए और फिर कन्याकुमारी से लौट के वापस आए तब पता चला दिल्ली में ही 2 लाख लोग और बढ़ गए 15 साल बाद, है ना, ऐसा होता है। चलो अभी ना हम यहां से पहले सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, बाकी डिस्कशन सर बाद में। सबसे पहली बात हमें सर यहां से यही जानना है कि सर हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें बेटा, है ना, अगर हम यहां से थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें तो हम क्लियरली बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स हमारी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो एनर्जी ट्रांसफर के साथ डील करती है, एंड इट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द, जैसे हमने बोला कि हमें थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर। ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो एनर्जी ट्रांसफर के साथ डील करती है, एंड जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होती है एंड इट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होती है वैसे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस जो है वो अफेक्ट कर जाती। मतलब उसका कहने का क्या है, मतलब उसका कहने का ये है कि हमने यहां से जस्ट इसके बारे में क्लियरली लिखा कि सर इट इज नथिंग, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये हमारा जो है दैट इज नथिंग, दैट इज साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और अगर ये साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है तो सर हमें क्लियर है कि अगर एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी हमारी जब भी ट्रांसफर होगी तो ऑब्वियसली आप यहां से बोल सकते हैं कि सर लेट सपोज हमारे पास ये बाउल है और इस बाउल में कोई भी फ्लूड भरा हुआ है, वो फ्लूड कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, वो फ्लूड आपका कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। ऑल मैटर कंटेन हीट, किस अमर ज्योति किस उसमें पूछना चाह रहा हूं, सारे के सारे जो मैटर होते हैं ऑब्वियसली जब तक वो जीरो केल्विन पे नहीं पहुंच रहा तब तक उनमें हीट है, आप यहां से बोल सकते हैं। सुनिए मेरी बात, अब हमने यहां से जस्ट बेटा बात करना शुरू की, लेट सपोज हमने यहां से बोला हमने इसको हीट इस पे सप्लाई करना शुरू की, अगर हम इस पे हीट सप्लाई करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, आप यहां से बात करेंगे इसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, आप यहां से बात करेंगे इसकी कंडक्टिविटी पे कुछ फर्क आएगा। तो व्हाट आई वांट टू से कि थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है सर, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर, एंड जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होती है इट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जिनके हम मेजर कर पाते हैं, मेजर मतलब हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, हम डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, हम कंडक्टिविटी को मेजर, यस, जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होगी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर देगा। तो इसके बारे में हम यहां से जस्ट बता, अजय मलिक कह रहे हैं एनर्जी इज एवरीथिंग, एनर्जी इज एवरीथिंग, ऑब्वियसली हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते रहते हैं, यूटिलाइज करते रहते हैं, और एनर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ लाइफ में एनर्जी है, ठीक है। तो हम यहां से सबसे पहले अब बात आती है सर, ठीक है आपने बोला बट मुझे तो अभी यही नहीं पता है कि व्हाट इज एनर्जी, मुझे तो आपने यही नहीं बताया एनर्जी, मैंने कहा नथिंग। एनर्जी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एनर्जी एक फीलिंग है, एनर्जी जस्ट एक फीलिंग है। जैसे मैं अगर यहां से बोलूं कि मैं इसमें ऐसे हाथ मारना शुरू करूं तो आप बोलोगे हां सर अगर ये हाथ मारे बोर्ड टूट गया तो मतलब आपके हाथ में इतनी एनर्जी है कि आपने बोर्ड को तोड़ दिया, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम केवल बोलोगे यहां से, तुम केवल ये चीज बोलोगे ना बोर्ड टूट गया सर के पास बहुत एनर्जी है लेकिन मेरा तो बोर्ड टूट जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जस्ट बोला कि अगर मैं ऐसे करता हूं आप बोलोगे हां सर के पास एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग। जैसे दो लोग थे, दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, जो एक भारी पड़ रहा है दूसरे को मार रहा है आप बोलोगे वो ज्यादा पावरफुल है, तो एनर्जी एक फीलिंग है। तो एनर्जी इज वॉट, एनर्जी इज अ एबिलिटी टू कॉज चेंजेस, एनर्जी जस्ट एक एबिलिटी है, वो एबिलिटी जिससे चेंज आ रहा है, एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां से कुछ भी किया जिससे चेंजेस आने शुरू हो जाए, आप बलून को यहां से जस्ट ऐसे कर रहे ऐसे दबा दे बलून फट जाए, आप बोलेंगे आपके हाथ में इतनी एनर्जी थी कि आपने इतना चेंज कर दिया, क्लियर। सिमिलरली अगर हमने यहां से जस्ट बात करना शुरू की ठीक है सर एबिलिटी टू कॉज चेंजेस, तो एबिलिटी टू कॉज ये कौन सी एबिलिटी है, किसके थ्रू हो सकती है, मैंने कहा हां एनर्जी के अगर आप यहां से ट्रांसफर देखेंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर दो मीडियम के थ्रू हो सकता है। आप बोलोगे सर कौन कौन से मीडियम, मैंने बोला कि एनर्जी के ट्रांसफर के एक्चुअल में दो मीडियम हो सकते हैं, एक हो सकता है हीट और दूसरा हो सकता है वर्क। एनर्जी के ट्रांसफर के दो मीडियम हो सकते हैं, एक हो सकता है हीट और दूसरा हो सकता है वर्क, ठीक है।
एनर्जी एंड फोर्स में डिफरेंस क्या? देखो सुनो सुनो, हम यहां से जब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स लगाने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स लगाने के लिए एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक टेबल को धक्का मारना चाहूं तो इट मींस मेरे पास एनर्जी होनी चाहिए, और वो फोर्स जिसके लगाने से जब हमें चेंजेस दिखने लगते हैं तो हमने बोला कि हाँ हमें मोशन दिख रहा है ना, मोशन दिख रहा है तो मतलब हमने क्या किया, इसकी डायनेमिक जब प्रॉपर्टीज पे बात करना है तो हम यहां से जस्ट बोलते हैं दैट इज फोर्स। ठीक है, अच्छा फोर्स को अब आप यहां से जस्ट बात करना शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने जस्ट बोला कि हाँ कुछ नहीं सर, हमने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमने दूसरी किसी चीज का मोमेंटम चेंज कर लिया। चलो अभी हम यहां से जस्ट थोड़ा सा आगे बात करना शुरू किया, मैंने बोला कि हीट जो है और वर्क जो है, अब आप लोग मुझे खुद बताइएगा, ये मेरे पास एक कंटेनर है, लेट सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक कंटेनर है जिसमें कोई एक फ्लूइड भरा हुआ है कुछ इस टाइप से, है ना। अब मुझे एक बात आप लोग बताएंगे, मैंने यहां से क्या किया, इस पे हीट सप्लाई करना शुरू किया, मैंने यहां से क्या किया, इस पे हीट सप्लाई करना शुरू किया, और जैसे ही इस पे हीट सप्लाई हुई, जैसे लेट सपोज हमने इस पे हीट सप्लाई की, जैसे ही इस पे हीट सप्लाई हुई, कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे भागना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ, है ना, मतलब इनकी एक फिक्स डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में चलेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं कि सर ये मॉलिक्यूल सारे के सारे ऐसे चलेंगे, क्या ये सही है, क्या ये सही है? मैंने जस्ट बोला कि अगर मैं किसी भी यहां से जस्ट बात करूं, एक कंटेनर है, कंटेनर पे हीट सप्लाई करो, जैसे ही हीट सप्लाई करूंगा वैसे मॉलिक्यूल एक फिक्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे, क्या ये सही है? दूसरा हमने यहां से बोला कि हमने यहां से ये एक कंटेनर था और इस कंटेनर के थ्रू हमने इस पे क्या किया, हमने इस पे लेट सपोज वर्क देना शुरू किया, जब हमने इसको वर्क देना शुरू किया तो हमने इस पे वर्क लगाया, वर्क लगाया तो हमने क्या किया, इसको रेस कराया, जब रेस कराया तो ये कंटेनर आपका यहां पे पहुंच गया। और ये चीज मुझे बिल्कुल क्लियर है कि हम जिस डायरेक्शन में इसको रेस कराना चाहेंगे, जिस डायरेक्शन में रेस कराना, हमने इस डायरेक्शन में लेना तो इस डायरेक्शन में जाएगा, हम इस डायरेक्शन में धक्का मारेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में हम चाहेंगे उस डायरेक्शन में। इसके केस में सर आप गलत बोल गए, ये चीज यहां पे ऐसा मोशन नहीं दे पाएंगे। आप जब जब मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स हमेशा हमेशा रेंडम मोशन देने वाले, रेंडम मोशन मतलब ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। तो हमें क्या मिलता है कि अगर मैं हीट की बात करता हूं तो हीट के केस में एक्चुअल में डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन मिलता है। यह बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर हीट के केस में आपको एक्चुअली में डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन मिलता है, पहला पॉइंट। अच्छा अगर हीट के केस में आपको डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन मिलता है, सिमिलरली मैं थोड़ा सा आगे जस्ट बात करूंगा, वर्क के केस में ये श्योर है कि आप जिस डायरेक्शन में मोशन देना चाहेंगे उसी डायरेक्शन में मोशन मिलता है। तो इन केस ऑफ द वर्क अगर वो आपसे बात करे तो आप यहां से बोल देते हैं कि सर ये ऑर्गेनाइज्ड मोशन देता है, हमेशा ये ऑर्गेनाइज्ड मोशन देता है। तो आप यहां से जस्ट देखेंगे कि सर हीट के केस में डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन है और वर्क के केस में ऑर्गेनाइज्ड मोशन है। आप समझोगे कैसे, मैंने बोला बिल्कुल क्लियर है कि जब भी आप हीट सप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल उधर उधर सब जगह भागना शुरू करेंगे, इसके केस में जब आप बात करेंगे तो ये ऑर्गेनाइज्ड मोशन देगा। अच्छा जब ऑर्गेनाइज्ड मोशन देगा तो डिस, बट ऑब्वियस कि सर इसको हम एक्चुअली में डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम किसी भी सिस्टम पे हीट सप्लाई करते हैं तो हमें डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन मिलता है और इस वजह से हीट इज नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और यहां से अगर मैं वर्क के बारे में बात करूंगा तो वर्क इज नोन एज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए हम बेटा यहां से वर्क को बोलते हैं कि सर ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं है क्योंकि ये तो आपको एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन दे रहा है, ये तो आपको फिक्स डायरेक्शन में मोशन दे रहा है। आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है सर, इतनी बात तो मुझे पता चल गई। अच्छा दूसरा अगर मैं यहां से थोड़ा सा और आगे बात करूं, हीट के केस में हमेशा जब जब दुनिया में आपको हीट मिलेगी, जब जब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपके जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिक वायर जब देखा होगा तो गर्म हो जाते हैं। अगर जैसे अपना आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसा है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जिस डायरेक्शन में वायर है, इस वायर में अगर आपने बोला यहां से ये आपके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जा रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जा रहा है तो आप क्लियरली बोलेंगे कि सर इसका मतलब हीट का मोशन ऐसे होना चाहिए जो भी हीट जनरेट हो रही, बट ऐसा नहीं होता, हीट आपकी इधर 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 सब जगह दिखती, तो वो क्या है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन दे रही है, इसलिए हम हीट को बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा चलो सर इतनी बात मुझे पता चल गई,
इसके बाद अगर हम हीट पे थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहें तो कैसे करेंगे? मैंने बोला कि देखो ऐसा है, ऐसा भी तो होता है, जैसे मैं हाथों में बात करूं, मैं हाथों को ऐसे रब कर रहा हूं, अच्छा मैं रब कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, हाथों को काम दे रहा हूं, मैं अपने हाथों को काम दे रहा हूं, और काम करने की वजह से हाथ मेरे चल रहे हैं, और जैसे जैसे मेरे हाथ चल रहे हैं वैसे वैसे हाथ में आप फील करेंगे कि हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो व्हाट आई वांट टू से कि मैं जैसे जैसे काम दूंगा वैसे वैसे आपकी हीट कॉन्टिन्यूसली जनरेट होती जाएगी। तो एक्चुअली में जितना वर्क दे रहे हैं उतना अमाउंट ऑफ हीट आप तुरंत के तुरंत जनरेट कर ले रहे हैं, या उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट आप जनरेट कर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इतनी ही हीट हाथों को दे दें, जरा सी हीट हाथों को दे दें, आपके हाथ के अपने आप चलना शुरू होंगे? नहीं चलना शुरू होंगे। हाँ, अगर मैं आपके हाथों में एकदम से आग लगा दूं तो आप जरूर ऐसे ऐसे करना शुरू करोगे, तब आप थोड़ा बहुत काम करोगे। लेकिन अगर जरा सी हीट आपके हाथों को दे दी तो आप बोलोगे ना 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 सर, आराम से बैठूंगा, हाँ बाई चांस मैं गलती से आ जाऊं और आपके हाथ में आग लगा दूंगा, तो आप हाँ काम करना शुरू करोगे। सो व्हाट आई वांट टू से कि अगर आप यहां से कोई एक अमाउंट ऑफ हीट लेते हैं और उस अमाउंट ऑफ हीट को दूसरे फॉर्म ऑफ यहां से वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हीट जो है वो फुली कन्वर्टेबल नहीं होती है वर्क के फॉर्म में। लेकिन अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क इज फुली कन्वर्टेबल इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस वजह से हम यहां से हीट ट्रांसफर नहीं है तो बॉडी को हीट देने के बाद कैसे उसके मास इंक्रीज हो जाता है, मास कैसे इंक्रीज हो जाएगा? मास तो ओपन सिस्टम अगर आप रखोगे, आप जब तक मास का ट्रांसफर नहीं करोगे तो अपने आप मास कैसे इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कहां पे हुआ है? हमने तो नहीं देखा। ठीक है, यहां से कि हीट मैटर नहीं है, तो हीट देने के बाद, हीट देने के बाद केवल एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं बेटा, है ना? आपने ऐसा कहां पे पढ़ लिया है कि हीट देने के बाद मास इंक्रीज हो जाता है? ठीक है, चलो मुझे यहां से जस्ट बता देना कि हाँ सर हमारा यहां पे कैसे मास इंक्रीज, आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं दैट इज ओके, बट मास इंक्रीज कैसे कर रहे हैं वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलो यहां से अब हम थोड़ा सा यहां से बात करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा यहां से आगे बात करना शुरू करते हैं। हमने यहां से जस्ट बोला कि ये हमारे पास डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा सर, पूरी की पूरी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्टेबल नहीं, पूरी की पूरी जो हीट है वो वर्क में कन्वर्टेबल नहीं है, और पूरा का पूरा जो वर्क है वो सर हीट में कन्वर्टेबल है। और जब पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्टेबल नहीं है, इसी वजह से हम यहां से बोलते हैं कि सर ये एक्चुअल में लो ग्रेड एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी है जिसको आप बहुत सारा यूटिलाइज करेंगे तब आपको कुछ यहां से स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलेगी, दैट इज नोन एज वर्क। फॉर एग्जांपल आपके पास सन की बहुत सारी हीट अवेलेबल है, आप कोल को बर्न करते हैं, आप फ्यूल को बर्न करते हैं, लेकिन फ्यूल को बर्न करने के बाद ऐसा नहीं कि बाइक में जैसे आपने पेट्रोल डाला लिया, बाइक में आपने पेट्रोल डाला लिया पूरा का पूरा, आपने बोला कि एक लीटर पेट्रोल डलाया और सर बाइक को मैं 200 किलोमीटर चला दूंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप जो भी पेट्रोल यहां पर डलाएंगे वो तीन पार्ट में जाने वाली, जो हीट है वो तीन पार्ट में जाने वाली, एक तो आपका वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला, दूसरा आपको डायरेक्टली एनवायरमेंट को जाने वाला, तीसरा आपका इंजन के जो पार्ट्स हैं वहां पे डायरेक्टली स्टोर होने वाला है या बाद में आपका जस्ट रिजेक्ट होने वाला है। तो एक्चुअली में अगर आप यहां से 100 किलो जूल ऑफ हीट देने वाले हैं तो ये 100 किलो जूल ऑफ हीट अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ वर्क में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब सर हीट का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसका मतलब हीट जो है वो बहुत सारी एनर्जी है और उस एनर्जी को प्योरीफाई करके हम वर्क बना रहे हैं। आपने बोला कि हाँ, उस एनर्जी को हम प्योरीफाई करके वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हम यहां से जस्ट बोलते हैं कि सर इसका मतलब ये जो लो ग्रेड एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी होने की वजह से हम यहां से जस्ट क्लियरली बोलते हैं इट इज अनप्योरीफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अनप्योरीफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप चाहें तो इसको, ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको इसको लिखना भी है, तो आप यहां से लो ग्रेड एनर्जी लिख रहे हैं। आई एम सॉरी, कहां गया ये, कहां से आ गया? हाँ चलिए ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी। और अगर वर्क के बारे में बेटा बात कर रहे हैं तो वर्क हमें क्लियर है बिल्कुल कि वर्क हमारा पूरा का पूरा कन्वर्टेबल होता है, इसलिए हम यहां से वर्क को बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, हाई ग्रेड एनर्जी, सुनते जाइएगा बहुत आराम से, है ना, कि हमने वर्क को बोला हाई ग्रेड एनर्जी और हीट को बोला लो ग्रेड एनर्जी। दुनिया में हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल है बेटा वो हमेशा आपके पास लो ग्रेड एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल है। आप कोल देख लीजिए लो ग्रेड एनर्जी, आप फ्यूल देख लीजिए लो ग्रेड एनर्जी, सन की एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी, जितना भी आप बात करते हैं वो सर लो ग्रेड एनर्जी। उस लो ग्रेड एनर्जी को जब हम प्योरीफाई करते हैं तब हम कन्वर्ट करते हैं किसके फॉर्म में, हाई ग्रेड एनर्जी में। तो अगर आप यहां से जस्ट हीट के एग्जाम्पल लेना चाहें या सोर्सेस बात करना चाहें कि हमारे पास सर इसके सोर्सेस क्या है, ठीक है,
तो आप यहां से जस्ट बात कर सकते हैं कि सर लो ग्रेड एनर्जी के सोर्सेस, आप यहां से लो ग्रेड एनर्जी के सोर्स की बात कर सकते हैं। और आपके पास सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, सन है। नेक्स्ट आपके पास है क्या, कोल है। नेक्स्ट आपके पास यहां से जस्ट बोल सकते हैं सर सन है, कोल है, फ्यूल्स है, फ्यूल्स है, ये सारे के सारे सोर्स ऑफ लो ग्रेड एनर्जी है। ठीक है, ये सारे के सारे सोर्स ऑफ लो ग्रेड एनर्जी है। वर्क के बारे में अगर बात करें तो यस डेफिनेटली ये जो लो ग्रेड एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करके एक प्योरिफाइड फॉर्म में लाते हैं जिसको हमें यूटिलाइज करना होता है, एक प्योरिफाइड फॉर्म में लाते हैं जिसको हम यूटिलाइज करना है। ठीक है, चलो कल सर का सैलन सर का 1 बजे क्लास है और आप लोग सारे के सारे पीसी 10 से 12 दिन में, छोटा सा टॉपिक है, आप जल्द 10 से 12 दिन में उसको फिनिश कर लीजिए और फिनिश करने के बाद आप अगले सब्जेक्ट की तरफ अपना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी केमिकल के लोग हैं वो दिन में 1 बजे सर को ज्वाइन करेंगे इसी चैनल पे, प्लैनेट गेट पे। ठीक है, चलो अभी हमारे पास ये बेटा यहां से एक जस्ट कहानी, तो हमने एक्चुअल में क्या बात करना शुरू की, सबसे पहले सुनिएगा, मैंने जस्ट यहां से बात करना शुरू की एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स। सर हमारे पास क्या थी, थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर, एंड व्हेन द एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस डेफिनेटली हमने यहां से जस्ट बोला ये प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे सोचना शुरू किए, हमने जस्ट बोला कि सर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की कोई भी ऐसी प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, एनर्जी इज जस्ट एबिलिटी टू कॉज द चेंजेस। फिर एनर्जी के बारे में हमने यहां से जस्ट बोला कि सर एनर्जी के दो एक्चुअल में हमें फॉर्म्स मिले, और एक फॉर्म मिला हमें हीट, दूसरा फॉर्म हमको मिला वर्क। तो हमने यहां से बोला हीट जो है इसको हम बोलते हैं सर लो ग्रेड एनर्जी, वर्क जो है उसको हम बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। क्यों लो ग्रेड, क्यों हाई ग्रेड? लो ग्रेड इसलिए क्योंकि हीट को जब आप बहुत सारी हीट यूटिलाइज करते हैं तो आपको वेरी लेस अमाउंट ऑफ वर्क मिलता है। सिमिलरली जब आप यहां से वर्क की बात करते हैं तो वर्क एक प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको आप डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं तो आपको डायरेक्टली दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन मिलता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहां से जस्ट बात करते हैं तो हमने ये भी बोला कि अगर हम किसी भी सिस्टम पे हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने पे हमें उस सिस्टम में डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन मिलता है, और डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन मिलने की वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि हीट इज नॉन एज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट इज नॉन एज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलरली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें ऑर्गेनाइज्ड मोशन मिलता है और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, आपके कमेंट जो है वो यहां से मिस हो गए तो इस वजह से थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा ताकि मैं आपके कमेंट जो है वो ओपन कर पाऊं। ठीक है, चलो कभी कभी एकदम से, हाँ ठीक है, सारे के सारे लोग मेरे ख्याल से मुझे सुन पा रहे हैं। स्टॉप कर गया है क्या, मुझे मेरी एक बार बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको, ऑडियो वीडियो आ रहा है, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्टॉप कर गया है, आई थिंक आ रहा है सब कुछ, है ना, सब कुशल मंगल है। ठीक है, सब कुशल मंगल है, ठीक 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 ठीक। चल तो बेटा हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो इसके बारे में बात कर रहे थे, अब यहां से बात आती है सर हमें इस जिंदगी में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी। एक्चुअल में हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल था वो ये अवेलेबल था, हीट, जो कुछ भी अवेलेबल था वो हमारे पास हीट अवेलेबल था और मुझे इस हीट को कन्वर्ट करना था। आपने बोला कि सर क्या करना था, मैंने कहा डेफिनेटली मुझे इस हीट को कन्वर्ट करना था। कैसे कन्वर्ट करना था, मैंने बोला कई कुछ भी इंजन के थ्रू लेके जाएं, कुछ भी हमने कोई भी मेथड लगाएं, लेकिन सर मुझे यहां से कन्वर्ट करना था। और कन्वर्ट करने की वजह से हमने यहां से जस्ट बोला कि मैंने इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक एम है वो क्या है, द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी into high grade energy, to convert low grade energy, हमने यहां से just बोला the aim of thermodynamics is to convert low grade energy into high grade energy, low grade energy को high grade energy में, into high grade energy in an efficient manner, ठीक है, high grade energy in an efficient manner। तो हमारा main aim जो है वो लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर इन एन एफिशिएंट मैनर। तभी हमारे दिमाग में आई एफिशिएंसी नाम, कि भैया कितने परसेंट ऑफ एनर्जी को आप यहां से, कितने परसेंट हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं इन एन एफिशिएंट मैनर। अब आप यहां से लिख लीजिएगा इन एन एफिशिएंट मैनर। अच्छा मुझे यह बताओ कि मैं आपको नोट्स बनवाते हुए चलूं या आप खुद बना लेंगे, आप मुझे जल्दी से बता दें एक बार कि नोट्स आप बनवाते चलें
या आप यहां से खुद बना लेंगे। मैं वैसे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स लिख लेता हूं, बट फिर भी आपको कोई भी चीज की जरूरत है तो आप यहां से मुझे पूछ लीजिएगा, मैं लिखा दूंगा। जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी लिखाने की वहां मैं लिखा दूंगा। आई होप कि मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप अपने आप लिख पाएंगे। मैं जस्ट समझाता चल रहा हूं, यहां पर लिखता चल रहा हूं, जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे लिखाना है वहां पे मैं लिखा दूंगा। मुझे बता दीजिए एक बार कि अगर आपको खुद डेफिनेशन लिखवानी हो तो मैं लिखवा दूंगा, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हाँ सर ठीक है, यहां से जस्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर मैं इसके बारे में जस्ट बात करूं, हाँ इनविजिबल इट इज बट ऑब्वियस कि जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं उनको हम देख नहीं पाते हैं जब तक हम उसको किसी डिवाइस पे नहीं लाते हैं, ठीक है। जैसे हमें यूटिलाइज नहीं करना है, जब तक हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने हीट को देखा तो हम हीट को कब जब किसी को बर्न करते हैं तो हमें यहां से दिखना शुरू होता है कि हाँ सर मतलब इसमें हीट है इस वजह से ऐसा बर्न हो रहा है। या मैं बाइक चलाना शुरू करता हूं तो मुझे वर्क दिखना शुरू होता है कि हाँ ये बाइक चल रही मतलब काम कर रही, बाकी हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, बाकी हम ठीक है नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है बनवाते हुए चले, ठीक है नोट्स बनते चलेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह से मैं बताता जा रहा हूं तो नोट्स बना लेंगे ना, अगर मैं ऐसे लिखता जा रहा हूं तो आपको जस्ट कुछ नहीं लिखना है, आपको थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद यहां से एबिलिटी टू जस्ट एनर्जी लिखनी है, एनर्जी को मैंने यहां से दो फॉर्म में बात किया, फिर ये छोटे छोटे पॉइंट्स लगाए, ये बनाते हुए चलेंगे ना, कोई इश्यू तो होगा नहीं इसमें, इसमें तो कोई किसी को होगा नहीं इशू। अब यहां से इतनी सारी बातें करने के बाद क्वेश्चन क्या राइज होता है, क्वेश्चन राइज होता है कि सर इसका मतलब हीट और वर्क दोनों के दोनों हमें मतलब जो एनर्जी मिल रही है वो हीट मिल रही है या वर्क मिल रही है, हीट मिल रही है या वर्क मिल रही है, दो एनर्जी। बट मेरा कहना यह है कि हीट और वर्क दोनों ही एनर्जी नहीं है, ध्यान रखना हीट एंड वर्क दोनों के दोनों एनर्जीज नहीं है, दीज आर टू मीडियम्स टू ट्रांसफर द एनर्जी। आप कंफ्यूज हो सकते हैं सर ये आपने मतलब दोनों एनर्जीज नहीं है क्या बात करना चाह रहे हैं, मैं एक्चुअल में क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, मैं जस्ट लिख रहा हूं हीट एंड वर्क दोनों के दोनों, हीट एंड वर्क बोथ आर नॉट एनर्जीज, ध्यान दीजिएगा बोथ आर नॉट एनर्जीज, ये दोनों के दोनों एनर्जी नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों एनर्जी नहीं है, बोथ आर नॉट एनर्जीज, ये दोनों के दोनों मीडियम टू ट्रांसफर द एनर्जी है, मतलब ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है, ये एक्चुअल में फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है कि भैया एक एनर्जी की फॉर्म है। आप यहां से जस्ट बोल सकते हैं कि सर ये कैसे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, या मैं जस्ट यहां से लिख दूं दीज आर नथिंग, दीज आर टू मीडियम्स टू ट्रांसफर द एनर्जीज, मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी, ये दोनों के दोनों मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जीज है। अब आप यहां से कंफ्यूज हो सकते हैं सर कैसे, क्या बात करना चाह रहे हो आपने, कैसे कैसे इसके बारे में जस्ट बोला, हाँ एनर्जी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन दुनिया उस पर ही चल रहा, हाँ यही भाई हमसे बोला जाता ना कि कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी जो हमको चला रही है ना, और ऑब्वियसली हम चल रहे हैं तो वो हमको दिखाई थोड़ा ना देती है। एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी तो है सब कुछ जो आपके साथ जो भी हो रहा है, जो आप कर रहे हैं वो सब कुछ क्या है, एनर्जी तो है ठीक है। हाँ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मीडियम हीट एंड वर्क, अब मेरी बात सुनना, आपने बोला कि सर कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अभी दिवाली वाली गई है, अभी घर वालों ने किसी न किसी के घर में उनके यहाँ सोन पापड़ी का सबसे ज्यादा आदान प्रदान होता है ना, सोन पापड़ी हमारे आई, हमारे यहाँ से गुप्ता जी के यहाँ, गुप्ता जी से शर्मा जी के यहाँ, शर्मा जी से तिवारी जी के यहाँ, तिवारी जी से मिश्रा जी के यहाँ, ऐसे घूमती रहती है, ऐसे ही तो होता है ना, तो चलती गई कॉन्टिन्यूसली वर्मा जी के यहाँ, कहीं किसी के यहाँ, और फिर घूम के पता चला वही वाली फिर से आ गई है ना। तो हमने यहाँ से क्या बोला कि लेट सपोज हमें भी किसी के मिठाई भिजवानी थी, तो हमने क्या किया, एक सोन पपड़ी का डब्बा लिया, बाकी मिठाई नहीं भिजवानी थी, सोन पपड़ी भिजवाते हैं, तो हमने सोन पपड़ी का डब्बा लिया। एयर एंड वाटर विच टाइप ऑफ एनर्जी, एयर एंड वाटर के अंदर एनर्जी होती है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, जिसको हम हाइड्रोलिक एनर्जी, वाटर की जो एनर्जी है उसको हम हाइड्रोलिक एनर्जी के बोलते हैं कि हाँ सर इसकी जो एनर्जी है इसको हाइड्रोलिक एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी नहीं, एयर एंड वाटर एनर्जी नहीं, दीज आर सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस है ठीक है। हाँ सोन पपड़ी वाला एक एड भी है, अच्छा ठीक है। तो हुआ क्या, हमने यहां से बोला कि मैंने किसी को मिठाई भेजी, अब एक्चुअल में क्या है कि मैंने जैसे यहां से मिठाई वाला डब्बा लिया, ये मिठाई वाला डब्बा लिया, काजू कतली वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है काजू कतली वाला, ऐसे ही तो होता है काजू कतली, ये हमने यहां से भिजवाया। अब हमने भिजवाया जब, तो हुआ क्या, मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि तुम एक काम करो इसको लेके जाओ, ड्राइवर ने उसको लिया, डब्बा उठाया, गाड़ी में रखा, और गाड़ी में रख के डायरेक्टली चले गए शर्मा जी के यहाँ, वहां पर दे दिए जाके, ठीक है
व्हाट आई, हाँ ओपन होती नहीं, बस घूमती रहती है। सुनो सुनो, अब मैं यहां से क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे एक्चुअल में जो कहना है वो ये कि ये जो मिठाई का डब्बा है वो एक्चुअल में मिठाई नहीं है, जो ड्राइवर लेके जा रहा है वो भी एक्चुअल में मिठाई नहीं है, जिस कार में जा रहा है वो भी एक्चुअल में मिठाई नहीं है, मिठाई तो उसके अंदर है ना। तो हम यहां से जो एनर्जी की बात करते हैं, एक्चुअल में क्या है, हम जो बात कर रहे हैं वो एनर्जी की बात कर रहे हैं और हीट की बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं या वर्क की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में एनर्जी नहीं है, ये मिठाई का ऊपर वाला डब्बा है, ये वो कार है, ये वो ड्राइवर है, ये वो लोग हैं जो मिठाई का ट्रांसफर कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं यहां से, काजू कतली वाला नहीं हूं, काजू कतली वाला नहीं, एक बार जिसके यहां पहुंच गए बस वहीं पे। हाँ हीट ट्रांसफर खत्म हो गया है पूरा गेट के लिए मैकेनिकल, हाँ आपका यूट्यूब चैनल पे खत्म हो गया है और स्पेशल पे अभी चल रहा है, किसी को करना हो तो वहां पे कर सकता है, ठीक है। हाँ चलो, सोन पपड़ी की क्यों भिजवाते हो, सस्ता नहीं, सस्ता आप सस्ता कह के मतलब हमारा वो क्या इंडियन कल्चर को ऐसा मत बोलिए कि नहीं सर सस्ता है इसलिए भिजवाते हैं, हम लोग इतने दिल के छोटे नहीं होते, हम लोग दिल के बड़े होते हैं, सस्ता नहीं, एक्चुअली में सोन पपड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसको अगर मतलब 15 दिन 20 दिन तक घुमाओ तो वो घूमती रहती है आराम से, है ना। लेकिन अगर आपने काजू कतली को 15 दिन 20 दिन घुमा दिया तो दोबारा फिर खा नहीं पाओगे ना उसको, समझा करो, इसलिए काजू कतली को जल्दी जल्दी खा लिया जाता है और सोन पपड़ी को घुमाया जाता है, ठीक है समझ गए। तो बच्चे हम यहां से क्या जस्ट, हाँ ड्राइवर ही खत्म कर देगा, अब मेरी बात सुन, ड्राइवर खत्म करे ना करे वो इधर, हम लोग यहां से जस्ट एक्चुअल में क्या है ना, ये मीडियम है, ये मीडियम है, हमने जो डब्बा बोला वो हमारी सर मिठाई नहीं है, हमने ड्राइवर बोला सर वो मिठाई नहीं है, हमारी गाड़ी जो, ये एक्चुअल में दो मीडियम है जिनके थ्रू हम मिठाई को ट्रांसफर कर रहे थे, यही है हीट एंड वर्क, यही है हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क दीज आर नॉट एनर्जीज, ये दो मीडियम है जिसके थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे थे, हीट एंड वर्क दो मीडियम है जिसके थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे थे, दैट्स इट, खत्म बात, ठीक है। तो हीट एंड वर्क अगर कहीं पे आपसे पूछ लेता है क्या ये एनर्जीज हैं, अब देखो ना आप अभी अभी आगे जब पढ़ोगे जाके तो आपको क्लियर होगा कि सर एनर्जी जो है वो एक्चुअल में पॉइंट फंक्शन है, एनर्जी जो है ना वो एक्चुअल में पॉइंट फंक्शन है, एक्चुअल में ये पॉइंट फंक्शन है, लेकिन अगर आप यहां से हीट और वर्क की बात करेंगे तो ये एक्चुअल में हीट एंड वर्क ये एक्चुअली में पाथ फंक्शन है, ये एक्चुअली में पाथ फंक्शन है, ठीक है, एक्चुअली में पाथ फंक्शन है, ठीक है। आज आज सैलेन सर गए थे मतलब सोन पपड़ी लेने, सर से पूछना कल क्लास में, सर होंगे तो अभी बता देंगे, आज सैलेन सर गए थे, मैं भी साथ में गया था ना, आज भी हमने सोन पपड़ी खरीदी है ना, किसी को देना बच गया था तो हम लोगों ने कहा कि क्या खरीदना चाहिए, तो हम लोगों ने कहा कि चलो सोन पपड़ी खरीदते हैं चल के, है ना, आज भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ। तो सोन पपड़ी ऐसा नहीं है, अब वो सोन पपड़ी सबसे बाद में नंबर आता है क्योंकि भाई वो लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। चलो बच्चे, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी, हीट एंड वर्क दोनों के दोनों पाथ फंक्शन, अब बेसिकली आपने जो नोट लगाया होगा, ठीक है, यहां से बेसिकली आपने जो नोट लगाया होगा वो नोट के लिए हमने आपको बहुत क्लियरली जस्ट पहले सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। फिर उसके बाद हमने यहां से एनर्जी की डेफिनेशन लिखाई, एनर्जी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ एबिलिटी टू कॉज चेंजेस, एनर्जी इज जस्ट अ एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। मैकेनिकल के लिए बेटा लेट्स क्रैक गेट ईएसईएमई चैनल पर मैंने पूरा हीट ट्रांसफर पढ़ा दिया, प्लीज उसको देख लीजिए, अदरवाइज लाइव देखना है तो सुबह सुबह 7:30 बजे क्लास होती है ऑन स्पेशल, तो आप वहां पे आ जाइए, अभी हीट एक्सचेंजर स्टार्ट किया, उसके बाद अभी रेडिएशन फिर कन्वेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अभी यहां से जस्ट बात कर रहे हैं, फिर हमने यहां से जस्ट बोला कि जब हमने एनर्जी के बारे में बात की तो हमने यहां से एक चीज जस्ट लिखी, आपको नोट लगाना है कि हीट और वर्क के बारे में, हीट डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट लो ग्रेड एनर्जी है, वर्क जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क आपका जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है, ठीक है। फिर आपको लास्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दैट इज एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज व्हाट टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर। फिर आप अगला नोट लगाएंगे यहां से, हीट एंड वर्क बोथ आर नॉट एनर्जीज, ये दोनों के दोनों एनर्जीज नहीं है, दोनों के दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है, दोनों के दोनों मीडियम टू ट्रांसफर द एनर्जीज है, ठीक है। दो ये पाथ को बताते हैं यहां से, एनर्जी आपका आप चाहे तो इसको लिख लेना, अदरवाइज इसको मैं अभी बाद में लिखाऊंगा, ठीक है। अब यहां से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते, आपको मैंने जस्ट बोला कि
जस एनर्जी, हमने थर्मोडायनेमिक्स से जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बोला था थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस मतलब कुछ भी। जैसे आपने बोला कि मैं मेरे ऊपर एनर्जी ट्रांसफर शुरू करो, अगर मेरे ऊपर हीट ट्रांसफर शुरू करोगे तो थोड़ी देर में तंदूर बन जाऊंगा, है ना, तो मेरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली मेरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आप अब ऐसा मत करना कि सर मैं मतलब आपके ऊपर ट्रांसफर करना चाह रहा हूं हीट को, आप कहीं और पे वाटर पे बात करेंगे, वाटर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विच इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज सब्सटेंस। सब्सटेंस के बारे में कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज नोन एज सब्सटेंस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपना यहां से बेस एक जो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा हाँ, अमन परवार ने कुछ पूछा है, प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड आई डू इफ आई वांट टू क्रैक गेट एग्जाम एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, शुड आई अचीव द जॉब फर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी साइमल्टेनियसली। या देखो सुनो अमन बच्चे, आपको सबसे पहले तो यही करना है कि आप सबसे पहले गेट के लिए करें, ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से गेट के लिए करें, गेट के थ्रू एक जॉब ले लें और बेटर है, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि अगर आप एक से डेढ़ साल बहुत अच्छे से कर लेंगे, बट सीरियसली करिएगा, है ना, सीरियसली अपने आप को तसल्ली मत दीजिएगा कि मैं बस तैयारी कर रहा हूँ, आज पढ़ रहा हूँ, कल नहीं पढ़ रहा हूँ, परसों नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। बेटर है कि आप कोई कोर्स ले लें प्लस पे और वहां से बिल्कुल प्रॉपरली कर लें, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास एक जॉब है, फिर आप तैयारी करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर, है ना। शिवम सिंह ने बोला वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है, तो फिर आपने बोला कि हीट एनर्जी नहीं है, मैंने बोला कि हीट और वर्क दोनों ही एनर्जी नहीं है, मैंने बोला हीट एंड वर्क दोनों ही एनर्जी नहीं है, मैंने जस्ट बोला कि दोनों के दोनों को हम बोलते हैं दीज आर नॉन एज, वर्क इज नॉन एज हाई ग्रेड एनर्जी, हीट इज नॉन एज लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये लो ग्रेड एनर्जी मतलब इनका मीडियम, इनका मीडियम कि अगर आप हीट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो पूरी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, ये एक्चुअली में यहां से जो ट्रांसफर होगी इसके थ्रू वो लो ग्रेड ट्रांसफर होगी, इसके थ्रू जो ट्रांसफर हो रही है वो प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये यहां से हाँ ये मीडियम है, ठीक है। स्वाति सिंह ने जस्ट लिख दिया, शिवम सिंह समझो बच्चे ये कुछ नहीं है, ये यहां से जस्ट इसके थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने बोला कि मैं हीट के थ्रू ट्रांसफर करूंगा तो आप 1000 किलो जूल ट्रांसफर तो करेंगे, बट वो पूरी की पूरी 1000 किलो जूल आपके काम की नहीं है, उस 1000 किलो जूल में आपने जस्ट बोला कि वो 200 किलो जूल काम की है। तो एक्चुअल में क्या है, इस मीडियम के थ्रू जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो आपकी अनप्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इसमें से जब आप यहां से वर्क यूटिलाइज करना शुरू करते हैं तो बोलते हैं इस मीडियम के थ्रू जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो आपका यही ट्रांसफर हो रहा है, तो ये प्यूरिफाइड है, ठीक है। चलो अब यहां से जस्ट आगे बात करना शुरू करते हैं, हमने बोला कि ठीक है, जब भी यहां से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जनरली, अच्छा मुझे ये बताओ कि ऐसा तो नहीं है किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर स्लो पढ़ा रहे, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको समझाते हुए चल रहा हूं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जो 23 वाले बच्चे हैं, जो 24 वाले बच्चे हैं, उनको दोबारा इन सब चीजों में ऐसा जरूरत ना पड़े। हीट को फुली वर्क में नहीं ले सकते, बट सर हीट देने पर वर्क, यस डेफिनेटली हीट को फुली नहीं दे सकते, बट हम हीट देंगे तो उसका कुछ, देखो यार सिंपल सी बात है, दुनिया में अगर आप आए हो तो आपको ऐसा नहीं गाना मत गाने लगना कि दुनिया में आए हो तो वो कौन सा गाना था लव कर लो वो वाला नहीं, दुनिया में अगर आए हो तो आपको दुनिया को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, देना पड़ेगा मतलब इन द सेंस कि अगर आपने कोई भी चीज ली है तो उस पर आपको टैक्स जरूर देना पड़ेगा, टैक्स इन द सेंस कि नेचर आपको जो कुछ भी प्रोवाइड कराता है उसका टैक्स के फॉर्म में कुछ ना कुछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से हीट नेचर से ले रहे हैं, अब आप नेचर से हीट ले रहे हैं तो आपको रिटर्न में उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो उसने बोला कि भाई जितनी मैं हीट दे रहा हूं पूरी पूरी यूटिलाइज मत कर लेना, उसका कुछ बचा हुआ पार्ट मुझे दोबारा वापस कर देना, और आप ये करते ठीक है। हाँ चलिए, तो मैं बहुत बहुत मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स को जस्ट करता जा रहा हूं, थोड़ा सा स्लो रहेगा बट हाँ एक बार आपने पूरा कर लिया तो डेफिनेटली आपका थर्मो हो जाएगा बहुत अच्छे से। चल अभी हम यहां से जस्ट ना नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में आपको यहां से डिवाइसेस मिलेंगे, ध्यान रखना आपको यहां से डिवाइसेस मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट था वो तो हमारा फिनिश, अब एक छोटा सा पॉइंट, आपको यहां से डिवाइसेस मिलेंगे, डिवाइसेस इन द सेंस कि एक ऐसा डिवाइस मिलेगा, लेट सपोज आपने कोई इंजन लिया जो आपका काम कर रहा है हाई ग्रेड एनर्जी पे, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस मिला जिसको आप काम कर रहा है हाई ग्रेड एनर्जी पे, ठीक है, हाई ग्रेड एनर्जी पे, और एक ऐसा डिवाइस जो आपका काम कर रहा है लो ग्रेड एनर्जी पे, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो आपका काम कर रहा है किस पे, लो ग्रेड एनर्जी पे। अभी क्लास 2 घंटे की कर लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपके लिए, है ना, अभी जस्ट थोड़ा सा
जब तक सेकंड क्लास चल रही है तब तक का इशू है, उसके बाद यहां से हम आगे बात करेंगे। अब सुनो, अब यहां से जस्ट हम किसके बारे में, वर्क फुली कन्वर्टेड हीट का एग्जाम्पल। वर्क देखो सुनो, वर्क फुली कन्वर्टेड हीट का एग्जाम्पल मैंने अभी अभी दिया था। आप हाथ को जितना जितना वर्क देते जाएंगे, जितना जितना वर्क देते जाएंगे यहां से ऐसे, तुरंत हीट बनती जाएगी, तुरंत हीट बनती जाएगी। देखो जैसे जैसे आप यहां से देते जाएंगे तुरंत तुरंत हीट दे दे। बाइक चलाओ, बाइक चलाओ, ठीक है, बाइक जैसे जैसे चलाएंगे वैसे वैसे आपने हीट दी तो वर्क बना। लेकिन अगर आप बाइक को एकदम से ब्रेक दे देंगे तो आपके बाइक के टायर आप फील करना कि उनमें हीट, तो अगर एकदम से बाइक आपने चलाई, एकदम से ब्रेक मार दिया तो टायर एकदम से गर्म हो जाते हैं। वो क्या है, वर्क था जो हीट में कन्वर्ट हो गया। अभी अभी तो एग्जांपल दिया था, सुनो ना बच्चे, है ना। अब मैं यहां से क्या बात कर रहा हूं कि आपको दो टाइप के डिवाइसेस मिलेंगे, आपको दो टाइप के डिवाइसेस मिलेंगे। अगर दो टाइप के डिवाइसेस की बात करें तो दोनों टाइप के डिवाइसेस में आपके पास एक ही टारगेट रहेगा कि सर वो हाई ग्रेड एनर्जी से चल रहे हैं या लो ग्रेड एनर्जी से चल रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर हमने यहां से बोला कि सर हाई ग्रेड एनर्जी से चल रहा है, अब हमने यहां से क्या बोला कि हम एक्चुअल में लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये चीज समझ गए कि अगर मैं हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया तो ऑब्वियसली अब इसकी बर्बादी तो बिल्कुल नहीं चाहोगे ना, ये तो आप समझ गए ना। आपने जैसे सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, आपने यहां से बोला कि आपके पापा थे, मैं आपको हाई ग्रेड लो ग्रेड का एग्जाम्पल देता हूं, जब शुरू में थे तो शुरू में आप मतलब बचपन में जब आपने ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ करने के बाद आप बीटेक करना शुरू किए, जब बीटेक करना शुरू किया तो आपके पापा ने आपको पैसा देना शुरू किया। जब आपके पापा ने पैसा दिया तो पापा ने ज्यादा ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था कि 100% मार्क्स लाओगे। आप 70% ला रहे हो, 75% ला रहे हो, 80% ला रहे हो, फादर खुश है, कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बोला कि तुम पढ़ो आराम से। अब तुमने बीटेक कर लिया, पूरा का पूरा जो पैसा था वो लगा लिया, तुमने जितना पैसा लिया ऐसा तो नहीं है कि तुमने उसका 100% दे दिया। फादर ने अपनी तरफ से 100% दिया, पूरा का पूरा जितना मनी थी तुम्हें, जरूरत थी तुमने दिया। लेकिन बीच बीच में तुम्हारे अंदर इरिवर्सिबिलिटीज आई, कुछ किया कुछ किया, लेकिन हाँ सर हमने बहुत ज्यादा मन से करने की कोशिश की लेकिन मैं अपना 80% दे पाया। आप ये चीज बिल्कुल फील करते हो कि आप कभी भी 100% अगर दे देते तो ऑब्वियसली रिजल्ट कुछ और होते। आप ये चीज अपने आप में जानते हो, सर मैं अगर अपना 100% दे दूंगा तो रिजल्ट डेफिनेटली चेंज होगा, मैं अपना 80% दे पाया। बेटा एक मिनट, जस्ट बात यहां से, किसी डिवाइस कैसे हीट को नंबर, डिवाइस कैसे हीट को नंबर में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब कैसे मशीन, ये आईसी इंजन में बेटा बता पाएंगे, है ना, कर पाता है कि इतना डिग्री सेल्सियस है कौन सी हीट को ना, ये तो आप जीरोथ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस बनाएंगे, दैट इज थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर बताएगा, है ना, हीट से नंबर में कन्वर्ट नहीं, हीट से नंबर में कन्वर्ट नहीं, सीटेन नंबर इज डिफरेंट, है ना, सीटेन नंबर इज डिफरेंट। स्वाति सिंह, ये जस्ट जो बात कर रहे हैं कि हाँ हीट को हम टेम्परेचर में नहीं कन्वर्ट करते, एक पाथ फंक्शन एक पॉइंट फंक्शन है, ऐसा नहीं, हम एक जस्ट अभी थर्मोमीटर्स की बात करेंगे, थर्मोमीटर मीजर करके बताता है, वो जीरोथ लॉ के थ्रू बताएंगे अभी नहीं। अब मेरी बात सुनो, आपने अपने फादर से पैसे लिए, आपने बोला कि सर हमारी फीस जो थी वो 1 लाख थी, 1 लाख के बेसिस पे हम डेली हम बहुत पढ़ते थे बट मेरे 75% आए। फादर बोल सकते थे कि आपने 100% क्यों नहीं लाए, है ना, 100% क्यों नहीं लाए, बट आपने फादर ने यहां से आपको जो दिया वो पैसा दिया और पैसा उन्होंने बोला मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता, तुम मेरे लिए मायने रखते हो, ये तब तक जब तक तुमने बीटेक कंप्लीट नहीं किया। लेकिन जब तुमने बीटेक कंप्लीट कर लिया तब तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ, अब प्लेसमेंट होने के बाद अब फादर की जस्ट अब एक्सपेक्टेशन है, आपका प्लेसमेंट हो ना हो लेकिन अब वो बोलते हैं कि तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, है ना। तो अब जब बीटेक आपने कर लिया है तो एवरी पेरेंट्स वॉन्ट्स, वो हर बंदा हर पेरेंट्स चाहता है कि अब मेरे बच्चे की जॉब लगे, कैसी लगनी डज नॉट मैटर, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन है ना 100%। तो अब अगर लड़के का बीटेक हो चुका है तो अब आप उससे एक्सपेक्ट करोगे ना कि अब उसका नुकसान ना हो, अब ऐसा ना हो कि अब भी उसकी जॉब ना लगे, भाई हमने पैसा तो इसीलिए लगा। तो ये था लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी से अब आप यहां से प्योरिफाइड फॉर्म में आ चुके हो, करेक्ट, आपके ऊपर पैसा ना लगाया जाता तो आप प्योरिफाइड फॉर्म में नहीं थे, लेकिन आपके ऊपर पैसा लग चुका है, अब आप प्योरिफाइड फॉर्म में हो, अब आपकी जॉब लगनी ही चाहिए, ऐसा पेरेंट्स सोचते हैं। तो सुनो, बट उनको क्या पता कि लड़का अभी प्योरिफाइड फॉर्म में आए ही नहीं है, हकीकत तो यह है ना कि हम प्योरिफाइड फॉर्म में आए नहीं थे। अब मेरी बात सुनो, मैं यहां से जैसे एक चीज चाहता हूं कि सर अगर हाई ग्रेड एनर्जी है मेरे पास, हाई ग्रेड एनर्जी मतलब आप वर्क ले लो, अगर मेरा वर्क है तो अब मैं वर्क में तो कोई भी लॉस नहीं चाहता हूं ना। वीडियो पॉज, ऑडियो आ रहा है क्या आपके पास,
ऑडियो आ रहा है क्या आपके पास? वीडियो पॉज हो गया है। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ अभी मुझे बताएं कि अभी आ रहा है क्या? अभी तो मेरे ख्याल से एकदम से पूरा, जब हम लोग फॉर्म में होते हैं उसी टाइम पे सब कुछ कट जाता है। तो अभी बताएं क्या अब क्लियर है सब कुछ? यस क्लियर, ठीक है, चलो डन। इधर देखो, यहां से जस्ट इधर देखो, अब मेरी बात सुनो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब हमने एक बार लो ग्रेड एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, हमारे पेरेंट ने पैसा दिया, पैसा देने के बाद हमें पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद हम बीटेक वर्क कर चुके हैं। अब मैं मेरा रिजल्ट, मेरा यहां से लो ग्रेड वीडियो ट्रांसफर, हाँ लो ग्रेड वीडियो ट्रांसफर तो नहीं है, ठीक है तो सब कुछ हाई ग्रेड, बट तभी तो लॉस नहीं चाहते ना, तभी तो लॉस नहीं चाहते, कल भी हुआ था आज भी हुआ है। तो अब आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अब आपकी जॉब ना लगे। यही मैं भी कह रहा हूं कि आपने जब हीट को पूरा का पूरा अच्छे से प्योरीफाई करके वर्क के फॉर्म में ले आए, तो अब आप वर्क में लॉस नहीं चाहोगे, ठीक है, अब आप वर्क में लॉस नहीं चाहोगे। मैं क्या कह रहा था कि अगर आप लो ग्रेड एनर्जी पे बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इंजन है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इंजन है और इंजन को आपने जस्ट चलाया, तो इंजन को जो भी अमाउंट ऑफ हीट देंगे, ध्यान से देखना, तो ये हीट आपके तीन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ हीट जो है वो इंजन को चलाने में, वर्क देने में, और इसके अलावा लगभग 33% आपकी जो हीट है वो डायरेक्टली एनवायरमेंट को लॉस होती है, डायरेक्टली एनवायरमेंट को लॉस होती है, और 33% ऑफ हीट जो है वो आपकी कूलिंग फ्लूइड पे चली जाती है, ठीक है, 33% ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली आपकी कूलिंग फ्लूइड पे चली जाती है। अब मैं यहां से क्या बोल रहा हूं कि इसका मतलब वो इंजन जो लो ग्रेड एनर्जी पे बेस्ड है, वो इंजन जो लो ग्रेड एनर्जी पे बेस्ड है, अगर उसकी इफिशियंसी, ध्यान से देखिएगा, अगर उस इंजन की इफिशियंसी 33% के आसपास आती है, 34, 35, 36, मतलब इसको जितना ज्यादा आपने यूटिलाइज कर लिया, अगर उस इंजन की इफिशियंसी 33, 34, 35% के आसपास आती है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि वो इंजन आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपको पता है कि लो ग्रेड एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्टेबल नहीं होती है, लेकिन एक ऐसा डिवाइस जो ऑलरेडी हाई ग्रेड एनर्जी पे बेस्ड है और उसकी इफिशियंसी बाय चांस 33% आती है, तो क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे? मेरा मतलब कि जब तुमने बीटेक कर लिया और उसके बाद अगर आप घर पे बैठे और पापा से बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता है ना, अब मैं फिर से बीटेक करूंगा, तो क्या पापा इस बात को मान जाएंगे कि तुम एक काम करो फिर से बीटेक कर लो? पापा बोलेंगे साइड में आओ, हम तुमसे बात करते हैं, ना? तो समझ रहे हो, मतलब जो भी हाई ग्रेड एनर्जी पे बेस्ड है, अब हाई ग्रेड एनर्जी पे अगर कुछ भी बेस्ड है तो उसमें हम कोई भी नुकसान, कोई भी बर्बादी बिल्कुल नहीं चाहते। इसी वजह से हम यहां से जो भी डिवाइसेस होते हैं उन डिवाइसेस में हम चेक करते हैं कि अगर मेरा कोई भी इंजन है, अगर आपको सिंपली बोल दे हाँ नॉट एक्सेप्टेबल ना, बिल्कुल नहीं है, तो हमसे अगर कभी भी अगर ऐसा पूछ ले कि द डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन लो ग्रेड एनर्जी हैज इफिशियंसी 40% एंड द डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन हाई ग्रेड एनर्जी हैज इफिशियंसी 83% है ना, आपसे पूछ दे इन दोनों में कौन सा डिवाइस अच्छा है, आप बोलोगे ये अच्छा है। ध्यान से देखना, आप गलती मत कर जाना कभी भी, अगर आपसे जस्ट कंफ्यूज करने की कोशिश करें, आपसे जस्ट बोले वो डिवाइस जो आपका लो ग्रेड एनर्जी पे बेस्ड है और वो डिवाइस जो हाई ग्रेड एनर्जी पे बेस्ड है, भैया हमें इसमें कुछ भी मंजूर नहीं है, हमें इसको 100% लेने चाहिए, हमें ये 100% चाहिए, समझ रहे, हमें इसमें बर्बादी हो रही वो हमें पता होनी है, लेकिन इसमें नहीं होनी चाहिए यार, इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखना, इसमें ज्यादा ज्यादा जो लॉसेस हो सकते हैं वो क्या, फ्रिक्शनल लॉसेस। तो हम तभी जितने डिवाइसेस हाई ग्रेड एनर्जी पे बेस्ड होते हैं उन डिवाइसेस की इफिशियंसी 95, 96, 96 to 98% के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं जो डिवाइसेस हाई ग्रेड एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, और जो डिवाइसेस आपके लो ग्रेड एनर्जी पे बेस्ड होते हैं उनकी इफिशियंसी हम 33+ एक्सपेक्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब जब आपसे बात करेगा कि आपके डिवाइसेस हैं, अगर इसकी इफिशियंसी 33% से अबव है तो आपका यह डिवाइस जो है वो गुड है, अगर इसकी इफिशियंसी जो है वो आपकी 95% से कम आ रही है तो आप यहां से बोलोगे इसमें दिक्कत है।
फ्रिक्शनल लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। या सोलर पैनल देख लो, सोलर पैनल की एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है क्योंकि उसमें कुछ पैसा थोड़ा लगाना है। आपने क्या किया, बाहर से ऊपर से जो भी सोलर की हीट आ रही उस हीट को यूटिलाइज किया। अब उस हीट को जितना मिल जा रहा है मुझे, जितना मिल जा रहा है वेरी लो एफिशिएंसी, तो हम उसमें हैप्पी होते हैं। लेकिन इसके केस में हम हैप्पी नहीं हो सकते। अच्छा, ऐसे डिवाइसेस जैसे एग्जांपल आपसे कभी कंप्रेसर के बारे में बात कर सकता है, आपसे कंप्रेसर के बारे में बात कर सकता है कि सर हमारा कंप्रेसर है और कंप्रेसर को मुझे चलाना है, तो कंप्रेसर की एफिशिएंसी आपका यहां से आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा हो, है ना, क्योंकि जितना दे रहे उतना काम करे। आप यहां से ट्रांसफॉर्मर की बात कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर ट्रांसफॉर्मर कैसे, यस ट्रांसफॉर्मर के केस में आप जो भी सप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मर के केस में आप जो भी सप्लाई करते हैं यहां से, ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आप इलेक्ट्रिसिटी यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको हम हमेशा हाई ग्रेड एनर्जी कंसीडर करते हैं। जब आप इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी कंसीडर करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी आप हमेशा देखिएगा 97-98% मिलती है हमेशा। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी अगर हमसे जैसे बोले ईडी लॉसेस बोलेगा तो ईडी लॉसेस 2-3% होते हैं। वो डिवाइसेस जो हाई ग्रेड एनर्जी पे बेस्ड है उनकी एफिशिएंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 96-98% के आसपास हो। वो डिवाइसेस जो लो ग्रेड एनर्जी पे हैं उनको हम एक्सपेक्ट करते हैं उनकी एफिशिएंसी अगर 33% के आसपास है तो मतलब वो बहुत अच्छी है। ये बात आप लोगों को समझ आई या नहीं, पॉइंट ये आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं, और अगर क्लियर हुआ तो मुझे एक बार बता दें, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो भी मुझे एक बार बता दें, ठीक है। तो ये जस्ट मुझे आपको बेसिक बताना था, आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, तो आई वॉन्ट कि मतलब आपको ये छोटी छोटी चीजें जो है वो अच्छे से पता हो। जैसे आपको बोल देता है कि हमारे पास एक कंप्रेसर है जिसकी एफिशिएंसी 85% है और एक हमारे पास हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 40%, बताओ विच डिवाइस इज गुड, तो आप बोलो अरे कंप्रेसर की एफिशिएंसी तो 85% है मतलब वो बहुत अच्छा है। नहीं, वो बर्बादी कर रहा है 15% की, इसका काम नहीं, ये नहीं बर्बादी कर रहा है, इसको तो बेचारे का औकात ही कितना 33% का। पॉइंट क्लियर है बेटा आपको, पॉइंट क्लियर है, यस और नो, ठीक है। चलो तो आई होप मतलब यहां तक का आज वाला जो डिस्कशन है वो आपको क्लियर होगा। अभी मेरा नेक्स्ट क्लास है तो नेक्स्ट टॉपिक मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि अगर करूंगा तो फिनिश नहीं हो पाएगा। तो कल हम लोग यहां से थोड़ा सा आगे बात करेंगे, आज हमारा यहां से व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट है वो फिनिश हो गया, ठीक है। तो इतने के आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स, थोड़ा सा जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि एलैबोरेट करके चलूंगा ताकि आपका जो चीजें हैं वो एकदम से क्लियर हो जाए, है ना। और बाकी आई होप यहां से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए चलो तो बच्चे अभी जस्ट कल मिलिएगा मुझे फिर से, कल हमको शाम को फिर से हम लोग 8 बजे स्टार्ट करेंगे, और अभी टॉपिक थोड़ा जल्दी फिनिश हो गया, मेरे ख्याल से अभी हम लोग 10 मिनट ले सकते थे बट 10 मिनट में टॉपिक फिनिश नहीं होगा। तो कल हम लोग फिर से बात करेंगे इसी पे 8 बजे। बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको बेसिक की तरह लेना, बेसिक मतलब बिल्कुल जीरो। आप मैं मान के चल रहा हूं आप अभी नेगेटिव में, है ना, तो एक एक चीज आपको हम यहां से क्लियर करते चलेंगे, और फिर कल मिलते हैं फिर से सेम टाइम 8 बजे थर्मोडायनेमिक्स के साथ, ठीक है। तो आई होप मतलब यहां तक का पार्ट आपको क्लियर होगा। सब लोग अपने नोट्स बना लेना, मैंने बस 2-3 पेजेस आपको पढ़ाए हैं, यहां से जस्ट स्टार्ट किया था, यहां से जस्ट स्टार्ट करके यहां पर आज हमने फिनिश कर लिया। चलो बाकी हम लोग फिर मिलते हैं कल शाम को 8 बजे, कल हम लोग मिलते हैं शाम को 8 बजे। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, है ना, थैंक यू। और बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए, दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन, ठीक है। बाकी आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्सेस लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप प्लस आइकॉनिक में व्हाट एवर यू वांट, और जो लोग भी 2023-24 का प्लान कर रहे हैं वो अभी से प्लान कर लें, ठीक है। ये 24 मंथ्स का या 18 मंथ्स का कोर्स ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। बाकी सारी चीजें आई होप कि मतलब आप एंजॉय करेंगे। ओके थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, चलो।